बेनिशिन उम्मीद करते हो आप सब खैर से होंगे, हम भी खैर से हैं आपकी दुआओं से। सो गर्मी बेहद पड़ रही है और आप लोग सोचते होंगे कि हमेशा इसी धूप में आ जाती है। वो रीज़न ये है कि हल्के फुल्के ही कपड़े पहनने घर में दिल चाहता है, दूसरे कपड़े नहीं पहने जा रहे हैं। तो 2-3 सूट हैं जो मैं ऐसे ही उनको रोज़ धुलवाती हूँ, तो रोज़ाना नहाना होता है तो रोज़ाना चेंज कर लेती हूँ। खैर गर्मी की वजह से बहुत हालत ख़राब है। सो अभी मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। बिरयानी के लिए मैंने जो प्याज वगैरह है वो यहाँ पे ला के रख दी हुई, और टाइम आप लोग देख सकते हैं कि 7:30 का होने वाला है। अब बैनी साहब तंग करते हुए मुझे आ रहे हैं क्योंकि इनको यही है कि मैं हर चीज़ में घुसूँ। मैच करती हूँ कट प्याज, फिर मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। प्याज मैंने 4 से 5 मैंने प्याज दिए क्योंकि इसमें से मुझे कुछ मैं लाइट ब्राउन करके निकाल लूँगी और कुछ मैं सब्ज़ी के लिए यूज़ करूँगी। टमाटर का पेस्ट और हरा मसाला यहाँ पर है, यहाँ पे चिकन धुल के रखी हुई है। सो मैं अभी जैसे जैसे बनता जाता है जो जो सामान मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ है और मैं थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आपको पता है जब खाना बनता है तो मैं ज़रूर ही होता है, लेकिन मैं साथ साथ वॉश करती रहती हूँ, साफ करती रहती हूँ। तो अब बस जल्दी जल्दी से इसको ये थोड़ा सा ब्राउन करके कुछ प्याज मैं निकाल लूँगी इसमें से, क्योंकि मुझे इसकी मेकिंग के लिए भी चाहिए होगा जब मैं इसकी, और मैं बना रही हूँ सिंधी बिरयानी। तो जल्दी जल्दी से इसका फ्लेम जो है मैंने हाई किया हुआ ताकि जल्दी से ब्राउन हो जाए। प्याज जो है मैंने ब्राउन कर लिए हुए हैं, थोड़े से जल भी चुके हैं, और दूसरे मैंने थोड़े से इसमें और ऐड करिए, इसमें से थोड़े से लेकर के इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि जब तक ये वाले ब्राउन हो जाए उसके बाद जो है मसाला वगैरह सारा तैयार करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैं आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर कर पाई हूँ क्योंकि लाइट एकदम से चली गई तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो गई बनाने में। मेरे प्याज भी थोड़े से जल गए थे और अभी इसको मैं मसाला वगैरह ऐड करके मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल दिया है, थोड़ा सा इसका ये हो जाएगा तो फिर मैं खैर मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन अभी इस टाइम पे मैंने जल्दी जल्दी वाला काम किया क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, गैस भी जाने वाली है। इन लोगों ने बताया ही शाम के टाइम है, वरना मैं आप लोग को पहले से ही अपनी रेसिपी वगैरह सब कुछ तैयार करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। पुदीना कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, कुछ ये रहा क्योंकि अभी चटनी बनेगी और साथ में सैलड बनेगा, तो सैलड का सामान ये रहा। तो अभी बाकी जो है मैं साथ साथ समेट भी रही हूँ ताकि गंदगी यहाँ पर ना इतनी रहे। तो मेरा जो मैंने बिरयानी का जो भुना हुआ मसाला है वो मेरे रेडी हो चुका था, तो भी मैंने बॉयल होने के लिए पानी रख दिया हुआ है। और मैंने इसमें ज़्यादातर खड़े मसाले ही, दो मैंने बड़ी वाली इलायची डाली है और दालचीनी और 2 बादियान के फूल डाले हैं बस। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया। अब इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, देन फिर उसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। पानी हल्का सा गर्म हो चुका, मेरी छींक भी पड़ गई है, जलन होने लग गई हाथ पे। खैर अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करती हूँ। मेरे बॉयल हो चुके हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा नीचे ऑयल जो है वो ऐड किया। अब इसके अंदर हम लोग तेल लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे प्याज भी रखे हैं, हमारा पुदीना भी है, तो सारी चीज़ों को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बीच में सेटिंग करते हैं। मुन्ने इधर आ, छोटी बहन को आवाज़ लगा रही हूँ ताकि मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाए। पानी बन के तैयार हो चुकी है, मैंने इसकी तह भी लगा ली हुई है, बस हम इसको थोड़ा सा दम दिलवाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग पेश करेंगे सबके आगे। इसको दम भी दिलवा दिया हुआ है, अब हम इसके अंदर जो है चम्मच को अब दूसरा वाला चम्मच कहाँ चला गया जो कि मुझे चाहिए था इस वक्त, घर वालों ने पता नहीं कहाँ रख दिया। ये देखिए मस्ती लग रही है। जब आप कुछ घर पे बनाएं ना तो टेस्ट अगर सबको अच्छा लगे, जैसे अब जैसे सब खाएंगे तो उनको समझ में आएगा टेस्ट इसका, तो जब अच्छा लगेगा ना तो आपकी मेहनत जो है ना सारी मेहनत आपकी वो ज़ाया नहीं जाती। और खाना अगर आप इतनी मेहनत करके बनाते हो ना तो अगर किसी को घर में नहीं पसंद आए ना फिर बड़ा दुख होता है यार कि
खाना जैसे लास्ट टाइम कढ़ाई मैंने बनाई। अब हुआ ये कि वैसे तो बहुत मज़े की बनी थी लेकिन उसमें थोड़ी मिर्ची तेज़ हो गई थी, तो इतना दिल टूट गया। मैंने बोला इतनी मेहनत से मैंने बनाई है, तो ये देख सकते हैं माय बिरयानी इज रेडी। तो अभी मैं इसके ऊपर कवर कर देती हूँ उसको, और फिर जो है बाकी जो भी समेटने वाला काम है सारा मैं फ़ौरन से करूँ, ताकि यहाँ से सिमटा हुआ होगा तो मुझे टेंशन नहीं होगी, और फिर बर्तन भी आसानी से जो है धोए हुए होंगे तो मैं सुकून से बैठ के खाना भी खा सकूँगी। मुझे ऐसा लगा कुछ पाँव में था मेरे, तो यहाँ से मैं नीट करती हूँ ये सारा, तो फिर उसके बाद खाना जब खाने खाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सब व्यूअर्स, खाना जो है वो लग चुका है, अब सब पार्टी आके बैठने लगे। यहाँ पे रायता छोटी सिस्टर ने बना लिया था, और यहाँ पे बहनी के बाबा उसको खिलाने की कोशिश कर रहे, पर ये लड़का जो है ना आगे से हम लोगों को कहता है आप लोग खा लो, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो बिरयानी की शक्ल आप लोग देख सकते हैं कि दिखने में कैसी लग रही है आपको, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी बिरयानी अच्छी लगी है कि नहीं। बाकी अभी इन लोगों से रिव्यू लेती हूँ कि जब ये लोग खाना खा लेंगे तो फिर खाएंगे, तो फिर मैं इन लोगों से रिव्यू लेती हूँ कि कैसा बना है। और बहन के पापा कैसी बनी है? A1। कितनी A1? अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। क्या आप बताओ कैची है? अच्छा भाई मम्मा ने बिन्नी को अभी हड्डी खाने से फुर्सत नहीं है। जब खाने के बाद मैंने अभी लाइट थी तो मैंने जल्दी से हस्बैंड का यूनिफॉर्म इस्त्री कर लिया, और ख़ुद भी फ्रेश होकर के आ गई हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 12:15 का हो रहा है। इस बंदे की बैटरी तो लो नहीं होती है, उसके बाबा उसको उठा रहे हैं, तो वो अब मुझे कह रहे हैं कि मुझे उठाओ आप। सो मैं अभी अपने व्लॉग का आज एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि हमारे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, और कमेंट्स की करा करें। और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बैनी उसके बाबा जो हैं वो कवर अप कर रहे हैं, लेकिन ये मजाल है कि लड़का जो है किसी की सुने। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा मज़ीद अपडेट्स और वीडियोज़ के लिए। खुदा हाफिज़।